press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. पुलिस के लिए सरदर्द बन चुके हरिया गुर्जर द्वारा हरियाणा के पलवल में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने की खबर है। हरिया गैंग के सदस्यों की हरियाणा के फरीदाबाद में कुछ दिन पहले ही पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में हरिया का साथी अरुण गुर्जर पुलिस की गोली में मारा गया था। वहीं गैंग का लीडर हरिया अपने दो साथियों के साथ भाग निकलने में सफल रहा था। बताया जाता है कि गैंग लीडर हरिया को एहसास हो चुका था कि पुलिस मुठभेड़ में उसका भी एनकाउंटर हो सकता है। पुलिस हरिया और उसके साथियों का लगातार पीछा कर रही थी, इसके चलते उसने आत्मसमर्पण करने में ही भलाई समझी। हरिया गैंग पर राजस्थान सहित हरियाणा और उत्तर प्रदेश के विभिन्न थानों में करीब 40 मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या, हत्या के प्रयास, लूट और धमकी देने, अपहरण आदि से जुड़े अपराध शामिल हैं। इस गैंग ने अलवर जिले में भी नीमराना और भैरोड़ आदि क्षेत्रों में वारदात की है। गैंग का मुख्य कार्य क्षेत्र हरियाणा में रहा है। नीमराना में हाल ही इस गैंग ने एक ज्वेलर्स के यहाँ लाखों की लूट की थी। तब से राजस्थान, हरियाणा और यूपी पुलिस इस गैंग के पीछे लगी थी। उस पर 50,000 रुपए का इनाम भी घोषित था।